फेमस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स अंकित कालरा और ईशा घई को फनी रील्स के लिए जाना जाता था। इस जोड़े ने फरवरी 2023 में शादी रचाई और शादी के तकरीबन 1.5 साल के बाद ईशा की जिंदगी उजड़ गई। अंकित कालरा का 19 अगस्त 2024 को निधन हो गया। ईशा ने एक नोट शेयर कर इस बात की जानकारी फैंस को दी। अंकित की महज उम्र 29 साल थी और उनके फ्रेंड्स, फैमिली और फैंस को अभी तक इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। अंकित कालरा की मौत की वजह बताई जा रही है कार्डियक अरेस्ट, क्योंकि ईशा का कहना था कि अचानक से ये सब कुछ हुआ जिसके बारे में उन्हें पता नहीं चल पाया। अंकित कालरा की मौत के बाद सोशल मीडिया पर फैंस गमगीन हो गए, उनके लिए दुआएं मांगने लगे, श्रद्धांजलि देने लगे और लोगों के लिए इस बात पर यकीन कर पाना काफ़ी मुश्किल हो रहा था कि जो कपल इतने फनी रील्स बनाता था, जिनका आपस में इतना प्यार था, जो हर वक्त एक दूसरे पर इतना प्यार लुटाते थे, अचानक से उनकी दुनिया किस तरीके से उजड़ गई। अंकित कालरा की मौत के बाद बाकायदा उनकी वाइफ ईशा ने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर कर अपने पति अंकित कालरा को याद किया। लेकिन मौत के ठीक एक दिन के बाद ईशा का इस तरीके से पोस्ट करना कुछ लोगों को नागवार गुजरा, जिसके बाद लोगों ने ईशा को बकायदा बहुत बुरी तरीके से ट्रोल किया। ईशा ने अपने पति के साथ एक फोटो को शेयर किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि उन्होंने अंकित के साथ कैसे पलों को जिया है। वो अभी भी अंकित को बहुत मिस कर रही हैं, लेकिन ईशा का अंकित कालरा की मौत के ठीक एक दिन के बाद ये पोस्ट करना थोड़ा सा खला, जिसके बाद लोगों ने ईशा को जमकर ट्रोल किया। अब जब अंकित कालरा की मौत को थोड़ा टाइम बीत चुका है, तो ऐसे में ईशा ने अब सोशल मीडिया पर उन सभी लोगों को करारा जवाब दिया है जिन लोगों ने उसके मुश्किल टाइम में, उसके दुख की घड़ी में उनका साथ ना देकर उसे ट्रोल करना ठीक समझा। ईशा ने अपने सोशल मीडिया पर बाकायदा एक पोस्ट कर ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया है, जो कि अंकित की मौत के बाद उनके किए पोस्ट को लेकर उन पर काफी सवाल उठा रहे थे। ईशा घई ने बाकायदा अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट को शेयर किया, उन सभी लोगों को जवाब दिया जो कि उनकी पोस्ट पर सवाल उठा रहे थे। ईशा घई का कहना है कि कहां गए वो लोग जो हमेशा मेरे प्रोफाइल पर, मेरी रील्स पर हंसी वाले इमोजी दिया करते थे जब सब कुछ ठीक था, लेकिन अब जब मैं अपने पति को याद करना चाहती हूं तो वो मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं चुप रहूं, साइलेंस में ये सब कुछ करूं। मुझे पता है कि मेरे पति मुझे कितना प्यार करते थे और वो मेरे लिए क्या चाहते थे। ईशा का ये भी कहना है कि जो लोग उनके लिए जजमेंट पास कर रहे हैं जब वो अपनी मुश्किल टाइम से गुजर रही थी, उन्हें ये समझना चाहिए कि मैंने कितना कुछ झेला है। ऐसे लोगों को ईशा घई ने इनह्यूमन बोला है, जो कि उनकी पति की डेथ के बाद इस टॉपिक पर गॉसिप कर रहे थे और उनके लिए जजमेंट पास कर रहे थे। इसके साथ ही ईशा ने यह भी कहा कि मैं ऊपर वाले से दुआएं करती हूं कि जो दर्द, जो एक्सपीरियंस मुझे झेलना पड़ा है, वो कभी आपको या आपकी फैमिली को ना झेलना पड़े। और इसके साथ ही ईशा ने उन लोगों का भी शुक्रिया अदा किया है जो इस मुश्किल टाइम में ईशा के साथ खड़े रहे। अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर ईशा ने अपने पति के साथ एक फ़ोटो को शेयर किया और ऊपर वाले से ये दुआएं की है कि किसी जन्म में दोबारा दोनों ज़रूर मिलेंगे। अब अंकित कालरा की वाइफ ईशा ने जिस तरीके से ट्रोल करने वालों को करारा जवाब दिया है, उस पर क्या कहना चाहते हैं आप? जो भी आपकी राय है हमारे कॉमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताएँ। अगर आपने फिल्मी बीट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिए। बॉलीवुड टीवी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए फिल्मी बीट।